हेलो गाइस, कैसे हो? आज का नया वीडियो लेके, और भाई इस वाले गेम प्ले में बस देखते जाना कितनी ज्यादा था भाई होने वाली है। और आसमान में देख लो भाई, मतलब कम से कम 3 स्कोर तो मेरे को दिखी गई थी और उससे ज्यादा आने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस बस मैं ये दुआ कर रहा था कि भाई कोई गन दे दो मेरे को। अगर एक और गोली बैठ जाती ना उसकी, ये गेम बनता ही नहीं भाई। और यहाँ पे यार मेरे को लगा इस वाले बंदे के हाथ में गन है, तो यहाँ पे हल्का सा मैं घबरा गया था कि भाई अब तो गए, लेकिन नहीं थी उस पर गन, वो खुद अपनी जान बचा रहा था यहाँ पे। तो इसको खत्म करते हैं यहाँ पे जल्दी से। और मेरे को एक एनर्जी ड्रिंक मिली थी, तो मैं जल्दी से नीचे कूदता हूँ और यहाँ पे जल्दी से ड्रिंक पीते हैं, थोड़ी सी हेल्थ मतलब हल्की फुल्की यार बढ़ जाएगी। मतलब यही अपना सहारा था, और कुछ था ही नहीं मेरे पे, तो क्या ही कर सकते हैं। और एक और बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे मेरे को साइड से, तो उसको भी ध्यान रख रहे थे, कभी भैया उसने मेरे को देख लिया हो। और ये बंदा भी अपनी जान बचा के भाग रहा था यहाँ से, क्योंकि भाई कसम से बहुत ज्यादा बंदे आ गए थे यहाँ पे। अब मेरे को यार फर्स्ट एड मिल जाती है, तो मैं जल्दी से फर्स्ट एड मारता हूँ। सामने कुछ बंदे दिख रहे थे मेरे को, लेकिन हेल्प करने से पहले उनको मैं देखने भी नहीं वाला। तो यहाँ पे यार एक बंदे को मैं पूरा फिनिश मारता हूँ, एक को नॉक कर चुका था, और एक और बंदे को हल्का सा डैमेज दिया मैंने, जिसको पता चल चुका है कि मैं इधर की तरफ हूँ। तो यहाँ पे एक नेड फेंकने की कोशिश करता हूँ मैं, मुझे लगा वहाँ पे मतलब रिवाइविंग वगैरह चल रही होगी, लेकिन जो बंदा मैंने नॉक करा था उसका मेरे को किल मिल जाता है, इसका मतलब उसका टीममेट किसी ने मार दिया। और यार ऊपर की तरफ जो बंदा था उस पर जाकर मैं रश मारने की सोचता हूँ, लेकिन थोड़ी सी लूट करने के बाद। लेकिन इतने में सामने से फुटस्टेप्स आते हैं, जो कि इस कमरे में चले गए हैं, तो भी जाते हैं। अब यहाँ पे इन वाले बंदों को जैसे ही मैं खत्म करता हूँ, ऊपर से ये वाला बंदा मेरे को निपटाने के फुल मूड में था, लेकिन यहाँ पे मैं कवर में था तो बच जाता हूँ, और ये बंदा ऊपर जा चुका था। लेकिन मेरे को ये डर था कि भाई ये बंदा नेड़ वगैरह ना फेंक दे, तो जल्दी से मैं लूट वूट करता हूँ यहाँ से और निकल लेते हैं। और दूसरी तरफ से जाके निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे बंदा नीचे जंप लगा देता है और मैं पीछे से आके उस बंदे को निपटा देता हूँ इजीली। अब यार एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं इस वाले कमरे में से, कोई ग्लिच करके अंदर घुस चुका है पहले ही। और बेचारा पूरी मेहनत कर रहा है कि किसी तरह बाहर निकल जाए, लेकिन मैं भी पूरा रेडी हूँ कि जब ये बाहर निकलेगा ना, गेट खुलेगा, जब हवा में जाएगा मतलब ये ताजमहल, तो बहुत बुरा निपटाने वाला हूँ मैं से। यहाँ पे इस वाले बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आए, पहले मेरे को लगा बोट होगा, लेकिन बोट नहीं था भाई ये। और अब यार गेट खुल चुका है ऊपर वाला, और मेरे को फुटस्टेप्स आ चुके थे बंदे के। भाई बंदे पे शॉटगन थी, अगर चिपक जाती ना तो तुम्हें पता फिर क्या होता। मतलब हम शॉटगन चलाए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार सामने वाले को, लेकिन सामने वाला अगर चलाए ना तो भले हम पे लेवल 3 का मान लो भाई, हम तो गए फिर। अब यहाँ पे एक बंदा ऊपर की तरफ नागिन बना हुआ है, जिसका हल्का सा कुछ ग्लिच हो रहा था कपड़ा वगैरह। यहाँ पे पहला वाला नेट तो यार गलत हो जाता है, लास्ट टाइम पे मतलब बिल्कुल हिल जाता और भाई मेरे ऊपर ही फट जाता है, लेकिन दूसरा वाला नेट में पूरे तमीज से फेंकता हूँ यहाँ पे पूरा कुक मार के। तो अब गाइस थोड़ी सी लूट करते हैं और भाई निकलते हैं फिर। लेकिन गाइस उससे पहले बात कर लेते हैं अपने आज के स्पॉन्सर की। तो गाइस इस ऐप या वेबसाइट का नाम है 1xbet। यहाँ पे आप क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस और ई स्पोर्ट्स में भी बैट करके पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पे गाइस आपको 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा अपने पहले डिपोजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हाँ यार, अगर आपको इन चीजों का शौक है तो 1xbet को ट्राई करना, और अगर पसंद आए तो भाई आगे भी यूज कर लेना, इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो वहां से गाइस मैं निकल लेता हूं, आता हूं कोचिंग की तरफ। और भाई एक बग्गी दिखती है मेरे को चर्च के पास, तो भाई चलते हैं वहां पे। तो यहां पे बग्गी इधर खड़ी है, इसका मतलब बंदा भी आसपास हो सकता है, तो मैं एक बार चेक मार रहा था। और एक नागिन मेरे को स्पॉट हो जाती है, जो कि मेरे पर फायरिंग करती है। और भाई देखो SLR बहुत खतरनाक चीज है, मतलब एक बंदे ने गोली मारी और भाई हेल्थ देखो कैसी कर दी। यहाँ पे इस वाले बंदे को तो मैं खत्म करता हूँ जल्दी से और हेल्थ करता हूँ, लेकिन कोई सामने से फायरिंग करा था अब, और मेरी बग्गी के ऊपर, तो सबसे पहले बग्गी को कवर में लाऊंगा मैं। तो
यहाँ पे यार मैं बूस्ट मारता हूँ, अपनी बग्घी उठाएंगे और जहाँ से फायरिंग आई थी वहाँ पे जाएंगे। लेकिन मेरी यहाँ पे बग्घी थोड़ी सी ठुक जाती है और इस चक्कर में मेरे को आते हैं फुटस्टेप्स। तो यार इस वाले बंदे को भी मैं खत्म कर देता हूँ, इसने थोड़ा सा डैमेज दिया है मेरे को, तो हीलिंग करते हैं। और यार ये वाला बंदा भी डायरेक्ट नहीं जाता, तो उसके और बंदे हो सकते हैं यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था। और भैया सामने से फायरिंग आने लगती है, तो भाई चलते हैं वहाँ पे। अब ये बोट मेरे से कह रहा था भाई मेरे को जल्दी से मुक्ति दे दे, तो इसको मुक्ति देते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे। और बंदा मेरे को दिख चुका था ट्रिपल स्टोरी के ऊपर, और मेरे को ये भी पता था कि भाई वो क्या क्या कर सकता है, या तो वो टीपी पे लेता या फिर दूसरी वाली छत पे जाके एंगल लेता मेरे ऊपर। अब बंदा दूसरी वाली छत पे जा चुका था लेकिन एंगल नहीं ले रहा था भाई, नेड फोड़ने के प्लान में था, मतलब प्री फायर नहीं भैया प्री नेड का जमाना आजकल। और ये वाला बंदा भाई पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह मैं पीछे चला जाऊं लेकिन जा नहीं पाता। और इतना भाई सामने वाले घर में से आते हैं फुटस्टेप्स। तो यहाँ पे गाइस ट्रेबल्स का यूज करूंगा मैं, लेकिन भाई ये बंदा बहुत ही चालाक था भाई, बस देखते जाना। तो यहाँ पे यार मेरे को पहले इसके फुटस्टेप्स इधर आए थे, तो मैं यहाँ पे मोली फेंकता हूँ, बंदा वहां से भाग लेता है। ठीक है थोड़ा बहुत डैमेज हो देखो भाई पड़ा होगा, है ना। अब इधर बंदा भाग चुका था इस वाले कमरे में, तो मैं एक और मोली फेंकता हूँ इधर, भैया जी इधर से भी भाग जाते हैं और आ चुका था बिल्कुल मेरे ऊपर। मतलब यहाँ पे बंदे ने यार काफी कमाल का सर्वाइव मारा, नेड मुली सब फेंक दी थी मैंने। अब यार इस वाले बंदे को मैं मार के लूट ही रहा था और भाई सामने से फायरिंग आती इतने में। तो यहाँ पे मेरे को बंदे के फुटस्टेप्स आ जाते हैं। अब ये बंदा पहले तो मेरे को देख रहा था लेकिन एकदम से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन इतनी देर हो जाती है। और यहाँ से मेरे को M4 मिल जाती है। अब इस वाले बंदे को निपटा के मैं जा ही रहा था पहुंचेंगे के बाहर, लेकिन भाई साइड से फायरिंग आती है, तो भाई चलते हैं। और यहाँ पे गाइस बस देखना एक बोट मेरी कितनी हेल्प करेगा एक बंदे को निपटाने में। मतलब यहाँ पे बोट फायर चल रही थी, मुझे लगा पहले तो कोई बोट स्कैम कर रहा है, लेकिन वो असली बोट था। लेकिन भाई उसके चक्कर में ये नागिन दिख जाती है मेरे को। तो इसलिए भाई बोट काफी हेल्प करते हैं तुम्हारी कई बार, और कई बार स्कैम भी कर देते हैं कि भाई तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच मार रहे हो, थोड़ी सी हेल्थ बच गई और भाई पीछे से आके धप्पा कर दें। तो अगर वो वाली चीज आपके साथ हुई है कभी तो भाई कमेंट करके बताना मेरे को। तो यार मैं रेड जोन हटने का वेट कर रहा था यहाँ पे, और भाई एक गाड़ी की साउंड आती इतने में, तो मैं एक बोट स्कैम कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे कि बंदे रुक जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर आती है एक डासा की साउंड। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं पूरा फिनिश मारता हूँ, और अब मेरा प्लान था इस बंदे को लूट के मतलब निकल लेंगे यहाँ से। तो यार बहुत पहले मैं सिर्फ बग्घी चलाता था, गाड़ी वगैरह को अवॉइड करता था, तो आज बहुत दिन बाद वो वाली चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे यार सामने की तरफ एक बग्घी दिखती है मेरे को, और शायद इस बंदे का पेट्रोल खत्म हो चुका था यहाँ पे। यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं फिनिश करता हूँ, शायद ये उसका टीममेट था जो डासा वाला बंदा था। और अब यार निकलते हैं इधर से। अब यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी और भाई फुटस्टेप्स आते हैं बंदे के भी, और एक बंदे को तो मैं निपटा देता हूँ इजीली, और एक बंदे के आते ऊपर से फुटस्टेप्स, और एक के सामने से आए थे। और इस वाले बंदे का रिएक्शन यार अलग ही लेवल था यार, कम से कम मैं 2 मिनट तक हंसा था इस वाली बात पे। और फिर इस वाले बंदे के भी फुटस्टेप्स आए थे, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस मुझे लगा सारे बंदे मर चुके हैं, अपना मजे में लूटते हैं, लेकिन भाई अभी कहानी में ट्विस्ट है भाई, देखते जाओ। तो यहाँ पे यार मैं सारे डब्बे वब्बे चेक कर रहा था मजे में कि कुछ माल वाल मिल जाए, और सामने से इतने में फुटस्टेप्स आते हैं। तो
भैया जी ग्रोजा ले रहे थे, ऐसी वैसी गन नहीं थी। अगर वो पहले मेरे को देख लेता ना वहाँ पे, मेरे को फुटस्टेप्स नहीं आते तो बहुत गंदा स्कैम होता। लेकिन यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं खत्म कर देता हूँ, फुल बूस्ट मारता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट की यार जोन्स है और लास्ट की जोन्स में तो देखो फुल बूस्ट मार लिया करो, कई बार जान बचाते हैं। तो यार ये वाले बंदे भी डायरेक्ट फिनिश नहीं होता, इसके और बंदे हो सकते हैं यहाँ पे। तो यार इस वाले बंदे पे ग्रोजा थी और भाई वो मेरे को चाहिए थी, लेकिन गाइज मैं स्मोक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे गाइज अगर बिना स्मोक के मैं लूटता ना और भाई आसपास इसके बंदे होते तो देख लेते, तो फिर तुम्हें पता ही क्या होता। तो यार मेरा प्लान तक भाई जोर जोर चलते हैं, वहाँ पे बंदों को ढूंढेंगे। लेकिन मैं एक बार पहाड़ी की तरफ देखता हूँ, भाई एक बंदा दिख जाता है मेरे को और उस वाले बंदे ने भी मेरे को देख लिया है, तो भाई जाते हैं रश मारने। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे बग्गी रोकता हूँ, भाई यहाँ से निपटाने की कोशिश करेंगे बंदे को। यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, भाई एक बंदा साइड में दिखता है जिसको मैं नॉक कर देता हूँ, और इतने में एक बंदा भाई साइड से आ चुका था। नहीं भैया क्राउच करोगे तो फुटस्टेप्स थोड़ी आते हैं, और अब गाइस बग्गी उठाएंगे और भाई सीधा रश मार देंगे। अब इस वाले बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन भाई मेरे को लगा और बंदे कहाँ है, मतलब बंदा तो डायरेक्ट जाता ही नहीं है, तो यहाँ पे गाइस और बंदे होने के चांसेस हो सकते हैं आसपास। और जैसे मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ पहाड़ी के ऊपर एक और बंदा दिख जाता है मेरे को, तो चलते हैं भाई रश मारने। और अब जाके ये वाली स्क्वाड खत्म होती है यहाँ पे। तो अब गाइस थोड़ा सा फास्ट मोशन में देखो कैसे बंदे ढूंढते हैं, मतलब जहां भी गाइस आपको लगता है ना कि बंदे हो सकते हैं वहां पे जाओ, उसके आसपास गाड़ी घुमाओ, अगर बंदे होते तो भाई फुटस्टेप्स गोलियां या फिर कुछ ना कुछ आपको साइन मिल ही जाता है। तो यहाँ पे गाइस मैं ऐसे ही भटक रहा था बंदों को ढूंढने के लिए, और सामने एक बंदा दिख जाता है मेरे को। तो इस बंदे को लगा मैंने उसे देखा नहीं और भाई नागिन में तब्दील हो जाता है, लेकिन मैं निपटा देते हैं इसे भी। तो भाई लास्ट बंदा बच चुका था बस, तो एक जोन तो मैं इस वाले घर में ही बिताता हूँ मजे में, फुल बूस्ट मार लेता हूँ और भाई अब ढूंढते हैं उसे। जो कि मेरे को सामने ही दिख जाता है, मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई। यहाँ पे गाइज मेरे को प्रोन एंड शूट करना था, लेकिन गलती से जंप वाला बटन दब गया और कसम से। और यहाँ पे गाइज मेरे को लगा था कि मैं सच में मर गया हूँ, लेकिन जब वो बंदा मर गया ना उसका किल लिखा आ गया, तो भाई कसम से बहुत सुकून मिला मेरे को। तो गाइज ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक मार दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ ये वाली वीडियो, और गाइज सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदे हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ गाइज वन एक्स बेट को चेकआउट कर लेना, लिंक इन पिंड कमेंट।